मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या जो पूरे दिन अपनी ऐसी तैसी कराता हूँ और तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाता हूँ? और तुम्हारा काम क्या है? दो रोटी बनाना, वो भी नहीं बन रही तुमसे अब? काश नफरत की होती। क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं दिया। खाना बनाना ना सिर्फ औरतों का काम नहीं होता। तो तुम क्या चाहती हो, कि खाना मैं बनाऊं? तुम भी बना सकते हो। ठीक है फिर, मैंने एक काम करता हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और यही घर पर बैठ जाता हूँ। फिर तुम्हारे लिए आराम से सब्जियाँ छील दिया करूंगा और रोटियाँ बना दिया करूंगा, और तुम पैसे कमा के ले आया करना। जब मैं नौकरी करती थी ना तो मैं घर के भी सारे काम करती थी। लेकिन अब तुम नौकरी नहीं करती हो तो घर के काम तो करने पड़ेंगे ना, या फिर वो भी नहीं होते तुमसे? ठीक है फिर, तो मैं भी ना कल से नौकरी ढूंढ लेती। क्या जरूरत है तुम्हें नौकरी ढूंढने की? अरे जितने पैसे तुम नौकरी करके कमाओगी ना उतने तो मैं तुम्हें घर बैठ के दे देता हूँ। तो ज्यादा ना चूचा मत करो, चुपचाप से रोटी बनाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या जो पूरे दिन अपनी ऐसी तैसी कराता हूँ और तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाता हूँ? और तुम्हारा काम क्या है, दो रोटी बनाना, वो भी नहीं बन रही तुमसे अब? रोज बनाती तो हूँ, आज हाथ बटाने को ही तो बोला था। मुझसे पता है क्या गलती होगी, कि मैंने लव मैरिज कर ली। अगर अरेंज मैरिज की होती ना तो आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। प्यार जो करता था तुमसे, काश नफरत की होती। क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलना, मुझे सुनाई नहीं दिया। जो नफरत करते हैं ना वो आजाद छोड़ देते हैं, और जो प्यार करते हैं वो बांध के रखते हैं। प्यार में ऐसे करना है, प्यार में वैसे नहीं करना है, रोटियां बनानी है, नौकरी नहीं करनी। नौकरी? मैंने बोला था क्या तुम्हें नौकरी छोड़ने को? तुमने खुद से छोड़ी थी नौकरी। और हाँ, अगर तुमसे खाना भी नहीं बन रहा ना तो मत बनाओ खाना। घर ना ऐसे नहीं चलता, अगर घर में दो लोग रहते हैं ना तो काम भी दोनों को बराबर करना पड़ता है। अब घर में खाना बनता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेले खाती हूँ, खाते तो तुम भी हो। अगर एक दिन खाना बना दोगे तो क्या हो जाएगा, और अगर बनाना नहीं है तो कम से कम हेल्प तो कर ही सकते हो। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी मैंने गुस्से में ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। और इस बात को लेके ना मेरी आज मम्मा से बात हुई, और पता है उन्होंने क्या बोला? क्या? तुम खुद ही सुन लो। बेटा गलत बात है ये तो, जब तुम दोनों मिलके खाना खाते हो तो मिलके खाना बनाने में या उसकी हेल्प करने में क्या दिक्कत है? देखो तुम दोनों मिलके काम करो, साथ खाना बनाओ और साथ बैठ के ही खाना खाओ। तो अब से एक काम करो, ये खीरे मुझे दो, इन्हें मैं छील देता हूँ और तुम जाके खाना डाल दो।